1963 का मुकदमा भी लिखा गया, एक 9 साल के लगभग का बच्चा जो था वो गायब हो गया था और तत्काल हम लोगों ने उसको खोज में टीम को लगा दिया था। उसी क्रम में उसकी डेड बॉडी मिली लड़की की और उसके बाद हम लोगों ने उस मुकदमे को तरमीम कर दिया मर्डर में और लगातार हम लोग उसकी छानबीन करते रहे। उसी क्रम में हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ पता चली कि उसी गांव के दो लड़के जो हैं वो किशन श्रीवास्तव और एक और लड़का है वो दोनों इस हत्या में इन्वॉल्व थे। उनका जो मोटिव था वो उस लड़के को 50 रुपये देकर गलत काम कराते थे उससे और मना जब उस लड़के ने उससे पैसे मांगे तो उन्होंने उसका रस्सी से उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया। तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और उसके बाद इनको न्यायिक हिरासत में लिया गया। कितने लोग गिरफ्तार हैं? इसमें 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है जो दोनों लोग इसका हत्या में हुआ। ये कब से इसको बच्चों इस्तेमाल करते थे? अब ये तो उनका कहना है कि ये प्रथम बार इन्होंने ऐसा किया परंतु और जांच में चीज़ें सामने आई। क्या कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है इनका? अभी फिलहाल तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया है सामने परंतु उसकी जानकारी हम DCRB और अगल बगल के जनपदों से करते हैं। ठीक, बस एक सेकेंड बीजे मिल जाए बस। भैया जरा हो जाए जगह बता देना। नहीं नहीं फोटो कर रहा बस। सर थोड़ा बता दीजिए।